कैंपेन पर दिन पर दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। आज मीटू के पहले मामले की सुनवाई कोर्ट में होनी है। पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद एमजे अकबर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिस पर आज सुनवाई होनी है। एमजे अकबर पर 20 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद एमजे अकबर को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रिया रमानी के केस में। प्रिया रमानी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर, और एमजे अकबर को उसके चलते इस्तीफा भी देना पड़ा था। आज उसकी सुनवाई होनी है। मानहानि का दावा एमजे अकबर ने किया था प्रिया रमानी के ऊपर। आज इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं पटियाला कोर्ट से। रजत, क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, पहले जो वक्त था सुनवाई का वो लगभग 10:30 बजे का था, लेकिन जो खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसको डिफर किया गया है 2 बजे, यानी कि लंच के बाद का समय होगा, और लंच के बाद ये फैसला पटियाला हाउस कोर्ट में लिया जा सकता है कि आखिर जो डिफेमेशन का केस पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने किया है प्रिया रमानी, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था, आखिर उसका कॉग्निजेंस कोर्ट आज लेती है या रिजेक्ट कर देती है? दो चीजें होती हैं, या फिर अगली एक डेट पड़ती है जिसमें इस चीज की बातचीत होती है कि क्या प्रमाण है। तो ये बड़ा बिंदु होगा। अगर आज ये एक्सेप्ट होता है तो ये माना जाएगा कि एमजे अकबर एक स्टेप आगे पड़ गए हैं, जैसे कि उन्होंने अपने इस्तीफे में शब्द लिखे थे, लाइन लिखे थे कि ये मेरी निजी लड़ाई है और मुझे विश्वास है कोर्ट के ऊपर। वो कोर्ट गए हैं, उन्होंने डेफर्मेशन सूट फाइल किया है प्रिया रमानी के ऊपर। तो आज ये फैसला कोर्ट दे सकती है कि क्या वाकई कुछ साक्ष्य है या नहीं है। प्रिया रमानी ने जो आरोप लगाए एमजे अकबर के ऊपर, जिन आरोपों के कारण और कई और लोगों के आरोपों के कारण एमजे अकबर को अपनी कुर्सी विदेश राज्य मंत्री की गंवानी पड़ी है, क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? इन सब चीजों पर आज जो रोशनी पड़ेगी वो पटियाला हाउस कोर्ट में पड़ेगी। पहले समय 10:30 बजे का था, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है लगभग 2 बजे के आसपास इस पर बहस शुरू होगी। ठीक है रजत, जब पहले रुख आया था एमजे अकबर का, जब वो विदेश से लौटे थे इस आरोप के बाद, तो वो काफी अकड़े अकड़े से नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक वो इस्तीफा देते हैं और वजह जो बताते हैं वो बहुत गले के नीचे नहीं उतरती है। आप इसके पीछे क्या राजनीति देखते हैं? देखिए, जब तक मामला प्रिया रमानी का था तब तक ये शायद मुझे लगता है कंट्रोल में था। एमजे अकबर बाहर थे, नाइजीरिया में थे, उसके बाद वापस आते हैं, स्टेटमेंट भी जारी करते हैं, बहुत कुछ फर्क था नहीं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 20 और ऐसे जर्नलिस्ट थी जो बाहर आई, जिन्होंने मीटू कैंपेन ज्वाइन किया, बकायदा आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पे ये चीजें चलती रही, पब्लिक डोमेन में चीजें आई, तब एक बड़ा प्रेशर जो था वो सरकार के ऊपर भी था। सिर्फ प्रिया रमानी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस्तीफा नहीं होता। एक के बाद एक के बाद एक लोग आते गए, इस कैंपेन से जुड़ते गए, शुरुआत प्रिया रमानी ने करी। हाँ, तो ये ऐसा कहा जा सकता था कि अगर कोई एक लड़की होती तो शायद वो झूठ बोल रही थी, शायद वो पर्सनल एलिगेशन लगा रही थी किसी भी गलत भावना से, लेकिन अगर 20 लड़कियां सामने आती हैं तो रजत कहीं ना कहीं ये पुख्ता हो जाता है। देखिए, पुख्ता है नहीं है मुझे लगता है इसका फैसला कोर्ट। बिल्कुल, बड़ी इसमें बड़ी बातें ये हैं कि अब तक कोई भी क्रिमिनल केस जो है या कोर्ट में या फिर किसी थाने में अब तक कोई कंप्लेन एमजे दर्ज नहीं हुई है। ठीक है रजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि आज पहली बहस 10:45 पर मेरे साथ देखना ना भूलें। आज का मुद्दा है इस्तीफे के पीछे 2019 का दबाव या नैतिकता।